आपको मैंने बताया था कि नोटिस में कि संगठन प्रमाण पत्र दिया हुआ है। चलिए एक बार मैं जो उद्यमी योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे मैं एक बार थोड़ा देख लेता हूँ कि संगठन प्रमाण पत्र के बारे में क्या बताया जा रहा है। जैसे कि ऊपर की ओर मैं स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ पे नीचे कहीं पे दिया होगा, जैसे यहाँ पर देखा जाए तो इनका भी कहना है कि बिहार जो है लाभुक जो है बिहार के अस्थायी निवास हो तो निवास प्रमाण पत्र लगेगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति अति पिछड़ा वर्ग महिला युवा अल्पसंख्यक के अंतर्गत होना चाहिए, चलिए ये भी बात सही है। इसके बाद यहाँ पे जो बताया जा रहा है कम से कम 10+2 या इंटरमीडिएट ITI पॉलिटेक्निक डिप्लोमा समकक्ष हो, चलिए ये भी बात सही है। इनका कहना है कि 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच में हो तो भाई ये तो होगा। चलिए अब जो संगठन प्रमाण पत्र यही मैं समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ये जो के बारे में जो बताया जाए यहाँ ये देखिए प्रोपराइटरशिप के मामले में आवेदक के नाम से व्यक्तिगत चालू खाता करेंट अकाउंट या फर्म के नाम से करेंट अकाउंट मान्य होगा, परंतु आवेदक के ऋण एवं अनुदान की स्वीकृति के उपरांत आवेदक द्वारा आपने व्यक्तिगत चालू खाते को फर्म के नाम से परिवर्तित कराकर पोर्टल पर अपलोड किए जाने के उपरांत ही स्वीकृत राशि का हस्तांतरण फर्म के नाम से चालू खाते में RTGS के माध्यम से किया जाएगा। तो ये ज़्यादा समझ नहीं है, कन्फ्यूजन आपको हो जाएगा। मेरा ये कहना है कि अगर मान लेते हैं कि बस आपको अभी जो ऑनलाइन के टाइम आपका जो पर्सनल अकाउंट जो है ना पर्सनल नाम से व्यक्तिगत नाम से अगर चालू खाता है करेंट अकाउंट है चाहे सेविंग अकाउंट है वो अप्लाई के टाइम में काम हो जाएगा। जब आपका लोन सेंक्शन हो जाता है जब आपका लिस्ट में नाम आ जाता है फाइनली तो उस टाइम आपको फर्म के नाम से जो बिजनेस लगेगा जो ट्रेड लगेगा उस बिजनेस के नाम से करेंट अकाउंट खुला करके देना पड़ेगा। और उसके लिए भली भांति आप जब आपको पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन ही अपडेट किया जाता है तो ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं इसमें आपको मैं नहीं डालना चाहूँगा। इसमें मैं ये सीधा ये कहना चाहूँगा ये मत पढ़ो भाई, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाइएगा, इसको पढ़ के कन्फ्यूज हो जाइएगा है ना। जो आपके पास सेविंग अकाउंट है नहीं है चल भाई करेंट अकाउंट है आपके नाम से है बस तो डाल दीजिए हो गया। अगर करेंट अकाउंट नहीं सेविंग है कोई अकाउंट है अब कितना साल पुराना मैं कहता हूँ 100 साल पुराना है तो ये चलेगा, क्योंकि उसमें जो ऐसा ऑप्शन दिया जाता है कि आपको उसमें काम चल जाएगा। इसलिए ज़्यादा पुराना भी है चलेगा, करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट ज़्यादा पुराना है फिर भी चलेगा। अब ये अब मैं यहाँ कह दिया हूँ ना फिर भी लोग जो है ना परेशान करेंगे ना, कमेंट तो करेंगे करेंगे वो अलग बात है, लेकिन फिर जो है वो क्या करेंगे कि व्हाट्सएप पर जो नंबर मिल जाएगा भाई चलो पूछे लेते हैं। अरे भाई आप नहीं समझते, ऐसा मान लेते हैं कि अब हमारे पास मान लेते हैं 21-22 हज़ार आदमी है अब पूरा करते रहेंगे तो हम बर्बाद हो जाएंगे भाई। अरे लगे मैसेज वही करें जो आपको जो है टू कन्फ्यूजिंग हो बस कमेंट कर दीजिएगा, उस पर अलग से मैं वीडियो बना दूंगा है ना। आप पर्सनली आप कहिएगा सर बात कीजिए कॉल कीजिए इतना सर मेरे पास टाइम नहीं, आप भी खुद समझ सकते हैं। ऐसे बहुत समझने वाला समझते हैं कि चलो भाई जो हमारे पास जो वीडियो भी आ रहा है जो मैं क्या करूँ, फिर भी लोग क्या करते हैं करेंगे परेशान करना है तो कोई कीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि फॉर्म के नाम से करेंट अकाउंट होना चाहिए और MSME संगठन प्रमाण पत्र यहाँ पे तो प्रस्तावित यहाँ पे कहीं भी मैं नहीं देख रहा हूँ। यहाँ पे देखा जाए यहाँ क्लियर किया हुआ है संगठन प्रमाण पत्र है ना, तो संगठन प्रमाण पत्र पिछले बार भी था लेकिन पिछले बार भी नहीं लगा है, अब देखिए इस बार कहीं लगे अलग बात है लेकिन संगठन प्रमाण पत्र हमें लगता है कि नहीं लगेगा। लेकिन 1 जुलाई तक आपको वेट कर लेना है, अगर बनवाना चाहें तो बनवा लीजिए, क्योंकि उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन जो है ना वो उद्योग आधार वो हर आदमी से लेता है, आफ्टर सिलेक्शन जो है आपको लगवे करेगा समझे। और इसमें क्या है कि मैं शुरुआत था 2-3 साल पहले, अरे मुझे इतना जानकारी नहीं था, मैं किसी से मैं पूछने जाता था ना कोई बताता नहीं था, आपको भी कोई नहीं बताएगा, लेकिन मैं वीडियो के माध्यम से मैं इतना चीज़ में इसमें डिस्कस ही कर देता हूँ कि कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। और देखिए मैंने बताया कि संगठन प्रमाण पत्र मैं खुद बना दूँगा, 2 से 3 दिन आपको टाइम लगेगा तो उसमें कम चार्ज लगेगा, और हाथों हाथ हैंड टू हैंड आप चाहिएगा तो हैंड टू हैंड आपको मिल जाएगा, 2 से 3 घंटा में आपको मिल जाएगा, उसका चार्ज आपको कम से कम आएगा। अरे भाई कहीं भी कोई लेता है ना वहाँ से 1-2 से आपको कम ही लगेगा, ये इतना मैं क्लियरली कहता हूँ, क्योंकि देखिए कोई आपको टाइम देगा तो भाई कुछ ना कुछ उसको पेमेंट चाहिए, नहीं तो कोई आपके लिए कौन चाहे कोई मेरे लिए कोई कौन इतना टाइम देगा भाई
क्या जो टाइम देगा उस नॉर्मली बात है, फॉर्म का जो चार्ज जो है वो अपना वो लगेगा, ये है। तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना से रिलेटेड बहुत सारा हमें जो है मैंने फॉर्म डाला है, आपका भी अब अगर आप हमसे फॉर्म डालवाना चाहते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है इसी वीडियो के कमेंट में या में पिन कर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये संगठन प्रमाण पत्र आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला गया है अरे संगठन प्रमाण पत्र किसको ये में से भी जानते हैं, उद्योगधार जानते हैं, उद्यम रजिस्टर, अरे इसका मैं ऑफिशियल वेबसाइट भी बता देता हूँ, MSME का उद्यम आधार के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन जब करेंगे ना तो ये वाला ऑफिशियल वेबसाइट है, समझे। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम वाला बस यहीं से आपको अप्लाई होगा, सारा चीज़ होगा। और ये वाला जो आपके पास अगर सर्टिफिकेट है समझे तो ठीक है, नहीं तो आपको सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा, इसलिए घबराइए नहीं। आप कहीं से भी चार्ज जो पता कर लीजिए और उसमें 150 आपको कम कर दिया जाएगा, इससे मैं क्या कहूँ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।